तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, इफ 2x प्लस 3y प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्विवेलेंट टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करना होगा। 2x प्लस 3y प्लस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 से, तो x स्क्वायर में आ जाएगा 4x स्क्वायर, yy मल्टीप्लाई होकर फॉर्म कर लिया 9y स्क्वायर, ax माइनस 5 से होगा तो माइनस 10x, फिर 4 2x से तो प्लस 8x, फिर 3y माइनस 5 से तो माइनस 15y, 3y प्लस 4 से देन 12y एंड माइनस 20 आ गया। तो ये अपना आ गया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अच्छा xy मिस हो गया, xy कैसे आएगा, 3y 2x से मल्टीप्लाई होकर 6xy और एक और 6xy, 9y स्क्वायर प्लस 12xy हो गया माइनस 2x माइनस 3y और माइनस 20 हो गया। इसका वैल्यू दिया है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अगर आपने कंपेयर किया तो आपको मिलेगा a का वैल्यू 4, b कितना है 9, 2h का वैल्यू 12 है तो h हो जाएगा 6, 2g का वैल्यू माइनस 2, g माइनस 1, 2f का वैल्यू माइनस 3 तो f माइनस 3/2 और c है आपका माइनस 20। तो जो वैल्यू चाहिए g प्लस f माइनस c बाई ए बी एच, ए कितना हो गया माइनस 1 माइनस 3/2, इसमें आपने 20 ऐड किया फिर आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 6, ऊपर कितना हो जाएगा 19, 38, 35/2 ऊपर है आपका 35/2 और नीचे हो गया कितना हो गया 36 इंटू 6 216। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 35/412। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें बस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना था, हमने कंपेयर किया और फाइनली आंसर आ गया। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।